नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको पूनम्स किचन एंड लाइफ स्टाइल में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बाटी चोखा और उसके साथ दाल और चावल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और चलते हैं किचन में। हम आ गए हैं किचन में, तो आपको अपनी तैयारी दिखा देते हैं। तो जैसा कि मैंने ये मैं जो है जो बाटी बनाने वाली हूँ तो वो मैं भर के बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने जो है धनिया पत्ती, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज कट करके रखा है। और अभी मुझे भुने हुए चने की पाउडर की आवश्यकता पड़ेगी, तो अभी मैं भुना हुआ चना मेरे पास रखा हुआ है तो उसको मैं मिक्सी में पीस के उसका पाउडर बना लूँगी। और ये मैंने बैंगन इसमें कढ़ाई में डाल दिया है, थोड़ा सा तेल के साथ बैंगन को छीला, धुला और उसको कट करके छोटे छोटे पीस में तेल के साथ मैंने इसको डाल दिया है। और अभी अच्छे से पक जाएगा। और इधर कुकर में मैं बच्चों के लिए सूप बना रही हूँ, तो जो है मैं टमाटर, गाजर, चुकंदर, बोड़ा, ये सारी चीज़ें थी तो मैंने बच्चों के लिए सूप बना दिया है। तो अभी जो है ये पक चुका है, बस इसको मुझे छानना है, थोड़ा सा मैश करके छानेंगे और उसके बाद इसे मैं बच्चों को दूंगी। तो इसमें मैंने गाजर, चुकंदर, शिमला मिर्च, प्याज, बोड़ा, ये सारी चीज़ें मैंने डाल के सूप बनाई है। और ये मैंने चोखा, मतलब जो भरता बनाऊँगी बाटी चोखा, जो चोखा बनाऊँगी मैं, उसके लिए मैंने ये धनिया पत्ती, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च सब ले रखा है, सबको छील के धुल लिया है। और अभी टमाटर को मुझे भुनना है तो वो मैं बाद में भुनूंगी। और आटा मैंने छान के रख लिया है, जिसमें थोड़ा सा अजवाइन डालूंगी, थोड़ा सा मैं तेल डालूंगी, उसके बाद इसे एक सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है। तो अब आगे का काम ख़त्म कर लेते हैं। और आलू मैं भून चुकी, आलू मैंने अवन में भून लिया है, तो आलू जो है भून चुकी है, ये देख सकते हैं आलू अच्छे से पक गई है। तो बस इसे अब मुझे छीलना है। बैगन को अच्छे से पका लेना है, क्योंकि अब इसको इस तरीके से मैं भूनती, अगर गैस पर रख के तो पता नहीं बैगन कैसा था। बैगन में हमेशा ही जो है कीड़े निकल आते हैं तो मन खराब हो जाता है, इस वजह से जो है मैंने बैगन को छील के कट करके तब उसको मैं कढ़ाई में पका लेती हूँ। और ये मैं हमेशा करती हूँ, इस तरीके से चोखे में कोई दिक्कत नहीं होती है, बिना पानी के पकाना है तो बैगन का जो टेस्ट होता है, जो मिठास होता है ना, वो कभी नहीं जाता। और ऐसे मैं सीधे अगर भून देती हूँ तो कई बार उसमें अगर कीड़े निकल जाते हैं तो पूरा का पूरा बैगन ही मुझे फेंकना पड़ जाता है, तो इस वजह से जो है मैंने ये तरीका अपनाया है। सबसे पहले आटे का डो लगा के रख लेते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला स्वादानुसार, और अब थोड़ी सी अजवाइन डालना है, इस तरीके से रगड़ते हुए तब अजवाइन डालें। इससे क्या होगा कि आटे में जो है अजवाइन का टेस्ट और खुशबू दोनों आ जाएगा। और इसमें थोड़ा सा रिफाइंड तेल भी डालना है, उसके बाद इसको जो है अच्छे से गूंथ के रखना है, एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है। ध्यान रखना है कि जो आटे का डो लगा रहे हैं बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको गूंथें, जैसा कि मैं कर रही हूँ। और इस तरीके से जो है डो लगा के रखें, और करीब जब आटे का डो तैयार हो जाए तो उसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दें, तो थोड़ा सा अच्छे से वो सेट हो जाएगा, उसके बाद इसे बनाना शुरू करें। सबसे पहले बच्चों को सूप छान के दे देते हैं, उसके बाद जो है जो मैं भरावन बनाऊंगी तो वो मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने छन्नी लिया और उसमें जो है सूप बनाया था जो मैंने, वो उसमें पलट दिया और उसको दबाते हुए इस तरीके से उसको छान लेना है, क्योंकि अगर मैं ग्राइंडर में डाल के इसे ग्राइंड करूँगी ना तो बच्चे जो है पियेंगे नहीं, तो इस तरीके से छानने से ठीक रहता है। तो अभी बैंगन पक चुका है, उसको मैंने उतार दिया है, और आलू भी छील के मैंने कढ़ाई में ही डाल दिया, और इसी में सारा मैं बना लूँगी। टमाटर मेरा जैसे ही पक जाएगा मैं चोखा बना के रख लूँगी, तो चोखा बन के रेडी हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ मैंने नहीं डाला है, केवल स्वाद अनुसार नमक डाला है और जो है सरसों का तेल डाला है, और प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, धनिया, अदरक मेरे पास नहीं है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि अदरक ख़त्म हो गया था तो मैंने मंगाया भी नहीं। तो अभी भरावन बना के तैयार कर लेते हैं। तो चने का पाउडर मैंने बना लिया है, और उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देना है, और आमचूर पाउडर मैंने साइड में थोड़ा सा रखा हुआ है, और थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल देना है, और ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। सरसों का तेल इसमें इसलिए डाल रहे हैं कि थोड़ा सा ना ये टेस्ट भी इसका अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, इसमें टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और जब इसको जब मैं भरूंगी ना, भर के जब बनाऊंगी आटे में,
तो ये फैलेगा नहीं, छीटेगा नहीं, जब सूखा सूखा सा रहेगा तो बहुत ज़्यादा जो है भरने में दिक्कत होगी। तो अभी तेल मुझे कम लग रहा था, थोड़ा तेल इसमें और मैं डाल देती हूँ। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा तेल इसमें और डाल रही हूँ, अगर मुझे सूखा लगेगा तो मैं थोड़ा और डाल दूँगी। फिर तो इस तरीके से इसको अच्छे से मसलते हुए मिक्स करना है, जो प्याज है ना वो अच्छे से जो है थोड़ा पानी सा छोड़ेगा और वो मुलायम हो जाएगा रगड़ के, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो अभी इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल देती हूँ। अगर आपके पास नींबू है तो नींबू डाल सकते हैं आमचूर पाउडर की जगह। और अब इसको भर के तैयार कर लेते हैं। जैसा कि हम खाने वाले 2 लोग हैं तो हम 7 से 8 बाटी को बना लेंगे और फिर उसके बाद इसको हम सेकेंगे। तो इसको मैं सेकने के लिए ना अपम मेकर लिया है, और हमारे पास जो है बाटी बनाने का जो वो तंदूर होता है घर में लोग रखते हैं वो नहीं है, तो मैं इसको अपम मेकर में बना लेती हूँ। और इस तरीके से भर के बनाना है, तो आपने देखा कि मैंने किस तरीके से बनाया। और ये देखिए बाटी बना के तैयार कर लिया है, और अपम मेकर को मैंने धो लिया है, काफ़ी दिन से ऐसे ही रखा हुआ था, तो उस पर थोड़ा पानी लगा हुआ है तो उसको पोंछ देते हैं। उसके बाद उसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, तो रिफाइंड ऑयल मैं डालूंगी इसमें, और इसको अच्छे से सुखा के जो है तेल डालना है। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा तेल डाल दे रही हूँ, फिर उसको मैं चारों तरफ फैला दूँगी। फिर जो है उसमें बाटी रख के मैं 10 से 12 मिनट तक सेकूंगी धीमी आंच पे। तो जब बाटी पक जाती है ना तो एकदम लाल लाल सी दिखती है, और वो थोड़ी थोड़ी सी जगह जगह से फट सी जाती है, तो समझिए जो है बाटी हमारी पक चुकी है। बाटी पकने की सबसे अच्छी निशानी यही है कि जब बाटी पकते पकते जगह जगह से ना फट जाती है एक थोड़ी थोड़ा थोड़ा सा, तो समझिए कि बाटी बहुत अच्छे से पक गई है, एकदम करारी और हार्ड बाटी बनती है, तो सबको पता है। और उसके बाद उसमें घी लगाया जाता है। तो अब जो है मैं इसको ढक दूंगी, जैसे कि मैं बाटी रख दी उसमें सांचे में, और अभी देख सकते हैं बाटी बनके तैयार हो गई। जैसा कि मैंने कहा ना, रात रात का रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो रात के रूटीन में मैं जो है बाटी बना रही हूँ, बाटी चोखा दाल चावल सब मैंने बनाया। और बाटी का कलर देख के आपको समझ में आ रहा है कि कितना अच्छे से पक गई है, और थोड़ी थोड़ी सी बाटी हमारी फट भी चुकी है, जैसा कि मैंने कहा पकने की जो इसकी निशानी होती है। तो दाल भी मैंने बना लिया है, दाल में प्लेन जीरे से तड़का लगा दिया है मैंने और कुछ भी नहीं डाला है, और चावल भी बना लिया है। तो ये है मेरी आज की रेसिपी, और आज का जो है रात का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये था मेरा वीडियो, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और बहुत ही बढ़िया बाटी बनी हुई है, बहुत ही बढ़िया बाटी बन के तैयार है, गर्मा गर्म एकदम मुलायम सी बाटी बनी हुई है। मैंने इसमें ऊपर से घी लगा दिया है।